एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास आया। वह स्वामी विवेकानंद जी के पास एक सवाल लेके आया था। उसने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, स्वामी जी, मुझे सारे वेदों का ज्ञान है, मैं सारा वेदांत समझ चुका हूँ, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि इस देश में माँ को इतना पूजनीय क्यों माना जाता है। स्वामी जी यह सवाल सुनकर हंस दिए और कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, पर अभी नहीं, 24 घंटे के बाद दूंगा। तब तक तुम एक काम करो, एक 5 किलो के पत्थर को अपने पेट पर 24 घंटे तक बांध के रखो। युवक बोला कि ये तो बहुत ही आसान है। युवक उस 5 किलो के पत्थर को अपने पेट में बांध लिया और बाहर चले गया। कुछ घंटे भी नहीं हुए कि वह स्वामी जी के पास वापस आया और कहने लगा, स्वामी जी, अब मैं इस पत्थर का भार और सहन नहीं कर सकता, कृपया मुझे इस पत्थर को अपने पेट से निकालने की आज्ञा दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम इस पत्थर का भार भी कुछ घंटे सहन नहीं कर पाए, तो सोचो एक माँ अपने बच्चे को पूरे 9 महीने तक अपने पेट पर रखती है, घर का सारा काम भी करती है। युवक स्वामी जी की बात समझ गया था, इसलिए संसार में माँ के सिवा कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसलिए माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है।